10 सितंबर से गणपति उत्सव मनाया जाएगा। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर बप्पा के भक्तों द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। मंदसौर शहर के बाजार में गणपति प्रतिमा की बिक्री होने लगी है। एक से बढ़कर एक बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं सजकर बाजार में पहुंची हैं। इस बार कोविड गाइडलाइंस के अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। आगामी 10 सितंबर से गणपति उत्सव मनाया जाएगा। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर बप्पा के भक्तों द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। मंदसौर शहर के बाजार से गणपति प्रतिमा की बिक्री होने लगी है। एक से बढ़कर एक बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं सजाकर बाजार में पहुंची हैं। कोरोना काल के चलते खैर इस बार भी गणपति पांडाल को भव्य नहीं सजाया जाएगा। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। गणपति प्रतिमा खरीदने पहुंचे भक्तों से जब बात की गई तो गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी खुशी नजर आई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पीओपी की प्रतिमा बिक्री पर रोक लगाई है। मेरा नाम विकास शर्मा है। विकास जी, आज आप गजानंदगी की दुकान पे आए हैं, स्थापना होनी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार तो कोरोना था, तो जिस प्रकार से सोच रखा था वैसा हम नहीं कर पाए। इस बार थोड़ा गवर्नमेंट ने रियायत दी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्ति स्थापना कर सकते हैं और बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार मना सकते हैं। इसलिए हम आए हैं और मार्केट में भी काफ़ी चहल पहल दिख रही है, लेकिन मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया कोरोना गाइडलाइन का पालन करें एवं मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। देखो, क्या एक त्यौहार बनाने के साथ साथ अपने को हर पहलू पर ध्यान लगाना पड़ेगा। मिट्टी के गजानन जी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीओपी से क्या है कि पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है, इसलिए मैं तो सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि कृपया मिट्टी के गजानन जी उपयोग करें एवं हो सके तो पीओपी के गजानन जी का कम से कम उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। पिछले बार नहीं ले पाए थे, ले आए कोरोना कारण, वैसा तो अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग खरीदने आए हैं। सरकार के मिट्टी के गजानन जी अब हर एक तरह का अच्छा लग रहा है, जैसे अपना अच्छा लग रहा है अपना खरीदो, जैसे अपने का अच्छा लग रहा है, हमको तो ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे खरीद ली।